नमस्कार म्यूज वर्ल्ड पर आज एक बार फिर मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। हम इस वक्त हैं आश्रम एक्सप्रेस में जो कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली है। तो मेरे साथ सामने एक एनआईपीवीडी दिव्यांगजन यानी कि देहरादून एनआईपीवीडी देहरादून के एक छात्री लग रहे हैं, देखते हैं इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? शिवम सिंह नेगी। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, तो अहमदाबाद जा रहे हैं आपने, और भी कहाँ कहाँ ट्रेवल किया हुआ है? मैं कई बार केरला जा चुका हूँ। अच्छा, बेंगलोर जा चुका हूँ। बहुत तो मतलब जो रेल का सफर है आपके लिए नया नहीं है? जी सर, पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेन में लगातार जा रहा हूँ इधर से। और आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से। अभी क्या करते हैं आप वहाँ पे? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं कहाँ पर? NIEPVD। NIEPVD क्या है? NIEPVD ये सर नेशनल इंस्टीट्यूट है और एशियाज नंबर वन। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर VIs। यस सर। ओके, तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो कि देहरादून में। यस सर। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे? सर मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 11th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपने बहुत सारी जर्नी करी। आप टोटली ब्लाइंड हैं या पार्शियली? टोटली ब्लाइंड है। तो इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इतनी जर्नी आपने कर रखी है, क्या खासियत है, आज कैसा लग रहा है इस ट्रेन में सफर करके, और इससे पहले भी जब आपने किया था रेलवे का? काफी अच्छा लग रहा है। कुछ चीजें हैं कि जो ठीक हो रही है ट्रेन में। अच्छा, सबसे पहले तो इधर है कि कहाँ पे? अच्छा हाँ, दिखाइए आप। ये ब्रेल में सीट का नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इधर 2 लिखा हुआ है। ओके, ये 1 लिखा है। जी बिल्कुल सही। इधर लास्ट में यहाँ 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा है, हाँ जी। और जो मैंने एक्सप्लोर किया, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं छू के देखता हूँ पूरी जगह कैसी है। अच्छा, तो इधर भी मुझे मिला कुछ। हाँ, यहाँ भी ये 1, 2, 3 इसी बस होता है। हाँ, कि जैसे ये नीचे वाली सीट है ये 1 है, नीचे वाली 2 है और ऊपर वाली 3 है। अच्छा, और यहाँ पे ऊपर नीचे के लिए एरो भी बने हुए ब्रेल में। अच्छा, ब्रेल में लिखा हुआ है। देखिए मैं एक बार सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रेल के डॉट्स हैं, बिल्कुल सही कहा से हम आपने, ऊपर नीचे बने हुए हैं। चलिए, और क्या खास है? और अच्छा है सर, ये जैसे टेबल है थोड़ा। हाँ, बढ़िया है और अच्छे मटेरियल्स हैं। तो इस तरह से अगर मजबूत रहेगा तो खासकर जो ब्लाइंड हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अच्छा होता है। यस सर। क्योंकि उनकी चीजें नहीं गिरेंगी। यस सर। और आपके खाने वाने में भी मदद मिलेगी। तो शिवम, आप बहुत सारी जर्नी कर चुके हैं और आज किस खास मकसद से जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ ब्लाइंड फुटबॉल के डेमो मैच के लिए। अच्छा, डेमो मैच के लिए जा रहे हैं? कहाँ पर? अहमदाबाद में जा रहे हैं। किनके सामने है वहाँ पे डेमो? वहाँ पे जो मुझे पता चला कि इंडिया की टीम आ रही है, जो नॉर्मल की टीम है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है इंडिया की जो राष्ट्रीय टीम, यानी कि जो सुनील छेत्री जिनके कैप्टन। ओके, वो लोग आ रहे हैं। तो काफी अच्छा, काफी एक्साइटेड होंगे आप? यस सर। मिलने के लिए? यस सर। तो चलिए शिवम, आपको गुड लक और थैंक यू इंडियन रेलवेज। आप भी धन्यवाद कहना चाहेंगे इंडियन रेलवेज? कुछ ट्रेन में अभी जरूरत है इस सुधार की, और कुछ बहुत सारे हो चुका है। अच्छा, न्यू डेवलप हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाए। चलिए, एक दृष्टि दिव्यांगजन आपको करें थैंक यू इंडियन रेलवे, और गुड लक सिवम। थैंक यू।